अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी मॉडर्न इंटरनेट में एक हिस्सेदार हैं। 10 साल पहले जो इंटरनेट की शक्ल थी, अगर हम उसको आज से कंपेयर करें, जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। क्या है इंटरनेट का अगला पड़ाव? इस पड़ाव का नाम है वेब 3। पर वेब 3 क्या है, इसी को आज हम समझेंगे जाने दुनिया 10 मिनट में। इतिहास गवाह है कि बदलाव तो होकर रहता है। पहले आया वेब 1.0, फिर आया वेब 2.0 और अब आ चुका है वेब 3। इस नए इंटरनेट के वर्जन के बारे में बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि ये हमारे समाज में भूचाल ला देगा। पर आइए पहले समझें कि वेब 1.0 और 2.0 क्या है। इंटरनेट जब बना था तो उस शुरुआती रूप को वेब 1.0 कहा जाता है। इस टाइम पीरियड में ज़्यादातर लोग जो इंटरनेट को यूज़ करते थे वो कंज्यूमर्स थे, और जो लोग वेबसाइट बनाते थे वो कंटेंट क्रिएटर थे। वेब 1.0 1991 से 2004 तक चला, और इसमें जो वेबसाइट्स थी आज के ज़माने के हिसाब से वो बहुत ही बोरिंग थी, क्योंकि यूज़र्स उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे। अब आते हैं वेब 2.0 पर, जिस इंटरनेट को आज हम यूज़ करते हैं उसी को आम भाषा में वेब 2.0 बोला जाता है। इसी YouTube वीडियो को एग्जाम्पल मान लीजिए और ये समझिए कि अब यूजर्स कंटेंट क्रिएटर भी बन गए हैं, और कंटेंट को बनाना अब सिर्फ वेबसाइट डेवलपर्स की जागीर नहीं रही। हम लोग रोज करोड़ों वीडियोस देखते हैं, चाहे वो अपने फेवरेट मॉडल्स का हो या अपनी फेवरेट बिल्ली का। साथ ही हम सब कितने ही अनगिनत ऐप यूज करते हैं। ये सभी के सभी वेब 2.0 का हिस्सा है। नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप कौन सी ऑनलाइन एक्टिविटी में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। वेब 2.0 ये इसलिए कर पाया है क्योंकि इसको यूज करना बहुत ही आसान है और कोई भी इसको जल्दी सीख सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वेब 2.0 में हर चीज खुशनुमा है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ज्यादातर कंटेंट जो आप कंज्यूम करते हैं वे किसी ना किसी बड़े प्लेटफॉर्म का हिस्सा है। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, ये सब कंपनियां जब चाहे अकाउंट डिलीट कर देती हैं, जब चाहे आपका वीडियो उड़ा देती हैं। इनके खुद के ही अलग कानून चलते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म इनका है तो राज भी इन्हीं का चलता है। ये कंपनियां प्राइवेसी पर बहुत ध्यान देती हैं, लेकिन हमारा डेटा वो दूसरों को बेच देती हैं, और किसी ने आवाज़ उठाई तो उसका अकाउंट उड़ा देती। समय के साथ जैसे समस्याएं बढ़ती गईं तो लोगों को महसूस हुआ कुछ तो करने की ज़रूरत है। अब आया पिक्चर में वेब 3। सबसे बड़ा डिफरेंस वेब 2.0 और वेब 3 में है वह है विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन। वेब 3 पर जो डेवलपर्स होते हैं वो अपनी वेबसाइट्स को एक सिंगल सर्वर पर ना चलाकर पीयर टू पीयर नेटवर्क पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या फिर ब्लॉकचेन पर। इससे सभी नेटवर्क से जुड़े लोगों के पास उन फाइल्स की या मीडिया की कॉपी हो जाती है जिसको कोई एक व्यक्ति डिलीट नहीं कर सकता। वेब 3 में जो ऑर्गेनाइजेशन होती उनको DAOs यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है, और वो इंटरनेट पर कंपनी बनाने का एक ऑल्टरनेटिव वे प्रदान करती हैं। ये आजकल बहुत पॉपुलर होती जा रही हैं क्योंकि इनको बहुत इन्वेस्टमेंट आ रहा है। DAOs की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो वेब 3 के फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग ही कंट्रोल यूजर्स के हाथ में रखता है और हर डिसीजन के लिए यूजर्स वोट करते हैं। अब इस प्रोटोकॉल में पार्टिसिपेट करके पैसे भी बनाए जा सकते हैं। पर कैसे? देखिए, होता ऐसा है कि कोई भी डिसेंट्रलाइज नेटवर्क को उसके यूजर्स ही चलाते हैं, इसलिए अपना बैंडविड्थ, स्टोरेज आदि को शेयर करके जिन लोगों को ये शेयर किया जा रहा है उनके द्वारा प्रोवाइडर्स को पे किया जा सकता है। बहुत से लोगों का मानना है कि वेब 3 पर सेंसरशिप नहीं होगी और ये बड़ी कंपनीज के कंट्रोल से भी मुक्त होगा क्योंकि इसका फाउंडेशन ब्लॉकचेन बेस्ड है। सुनने में तो ये सब बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू। जो लोग वेब 3 से कुछ ज़्यादा इम्प्रेस नहीं है वो बोलते हैं कि वेब 3 टेक्निकली 2.0 से कंपेयर्ड कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो उतना डेटा प्रोसेस ही नहीं कर सकता जो अभी के वेब 2.0 के सिस्टम कर सकते हैं। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि वेब 3 कुछ नहीं है बल्कि कंपनीज और अमीर लोगों का तरीका है ताकि वो इनडायरेक्टली हमारे डेटा को कंट्रोल कर सकें। और कुछ लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि अमीर लोग ही वेब 3 की सर्विस को प्रोवाइड करेंगे जिससे कि वेब 3 पर मिलने वाली आज़ादी खुद ही छिन जाएगी। अब हम बात करेंगे वेब 3 के वजूद की, क्योंकि एक डेवलपिंग सिस्टम है, ये पूरी तरह कहीं लागू नहीं हुआ है। पर जैसा कि टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा एक पैटर्न रहा है कि वो अचानक से ऊपर उठ के आ जाती है, भले ही वेब 3 अभी फिलहाल किसी न्यूबॉर्न बेबी की तरह ग्रो हो रहा हो, लेकिन अचानक से एक दिन ऐसा आएगा कि आप हर जगह वेब 3 की बात सुनेंगे।
और फिर याद करिएगा कि हमने कहा था वेब 3 ऊपर उठ के जरूर आएगा। ये तो ही वेब 3 की बात, कंप्यूटर से जुड़े और भी रोचक टेक्नोलॉजीज हैं जिनके बारे में आप जान सकते हैं आपके लेफ्ट साइड वाले लिंक में। हमारे चैनल के सबसे रीसेंट वीडियो आपको मिलेगा आपके राइट साइड वाले लिंक। तो मिलते हैं वीडियोस में।